साईराम। साईयुग नेटवर्क आपका स्वागत करता है। प्यारे भक्तगण, कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके अलावा हमारे नवीनतम वीडियो प्राप्त करने के लिए सबसे पहले घंटी का आइकॉन जरूर दबाएं। आज हम सुनेंगे साई भक्त आरती जी का अनुभव, जो 2007 साल का है। आरती जी कहती हैं, मैं बचपन से ही बाबा की पूजा कर रही हूँ, क्योंकि साई मंदिर मेरे घर के पास ही है। मैं साई मंदिर नियमित रूप से जाती हूँ। मैंने बचपन में बाबा की कहानियाँ, उनके जन्म के बारे में और उनके आशीष के बारे में कभी नहीं सुना था। बस मंदिर में उनकी मूर्ति होने के कारण मैं अन्य देवताओं की तरह उनकी भी पूजा करती थी। धीरे धीरे जब मैंने भगवान के उद्देश्य को समझना शुरू किया, तो मुझे साई बाबा के बारे में पता चला। आम तौर पर मेरे मित्र या रिश्तेदार अक्सर शिरडी जाते हैं। मेरे मन में ये कभी नहीं आया कि मुझे भी शिरडी जाना है। एक दिन मैं अपने सहयोगी से ऑफिस में बात कर रही थी। वह शिरडी जाने की योजना बना रही थी। मुझे नहीं पता कि मेरे मन में क्या आया, पर मुझे ईर्ष्या हो रही थी। मैंने शाम को बाबा से कहा, कभी मुझे भी बुला लो। एक सप्ताह के भीतर ही हमारे रिश्तेदारों ने मेरी माँ से पूछा, क्या आरती हमारे साथ शिरडी जाना चाहती है? मैं उस परिवार के ज़्यादा करीब तो नहीं थी, मगर अचानक मैंने कहा, हाँ मैं जाना चाहती हूँ। इस तरह से साई की कृपा से मेरी शिरडी की पहली यात्रा हुई, जो बहुत अनिश्चित थी और मैंने कभी उसकी उम्मीद नहीं की थी। बाबा ने वास्तव में मुझे मेरे सिर्फ एक अनुरोध पर बुलाया। साई बाबा को मेरा धन्यवाद। शिरडी की मेरी यात्रा बहुत ही अच्छी थी। बाबा ने मुझे खुले दर्शन दिए और मुझे बहुत प्यार दिया। जून 2007 में मेरा छोटा भाई CPL यानी कि पायलट की ट्रेनिंग के लिए अमेरिका जा रहा था। हम सब बहुत ही चिंतित थे, क्योंकि वह मुझसे 5 साल छोटा है। उसे एक अनजान देश में भेजना हमारे लिए मुश्किल था। 30 दिसंबर 2007 तक सभी चीज़ें ठीक चल रही थी। वो वहाँ पर खुश था। अचानक 31 दिसंबर 2007 को एक एक्सीडेंट के कारण उसके बाएं हाथ की हड्डी टूट गई। उसका ऑपरेशन किया गया। उसके 2 हड्डियों में फ्रैक्चर हो गया था। जब वह 13 साल का था, तब भी उसके बाएं हाथ का ऑपरेशन किया गया था। इस बार फिर उसी हड्डियों में फ्रैक्चर हो गया। मेरे माता पिता इस बारे में नहीं जानते थे। हमने उन्हें नहीं बताया, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत ही संवेदनशील हैं और यह सह नहीं कर पाते। इसलिए मैंने इस बारे में उन्हें न बताने का फैसला किया। मैंने अपने भाई और परिवार की देखभाल करने के लिए बाबा से प्रार्थना की। हम उस समय असहाय थे। बिल्कुल पता नहीं था कि क्या करना चाहिए। पूरी तरह से हम नियंत्रण खो चुके थे। फिर बाबा ने हमारी मदद की। मेरे भाई के दोस्तों ने उसका बहुत साथ दिया और एक दीदी जो कि एरिजोना की निवासी थी, उसे अस्पताल ले गई और उसका ऑपरेशन करवाया। बाबा ने सच में हमारी बहुत मदद की और हमें आशीर्वाद दिया। फिर एक बार साईं बाबा को धन्यवाद। अब उसे 2 महीने हो चुके थे। वह बिना किसी काम के था। वहाँ कुछ भी नहीं कर रहा था। न तो उड़ान भर सकता था, न ही कॉलेज का पता था। फरवरी 2008 में वह पूरी तरह डिप्रेशन में आ गया था। अपनी ट्रेनिंग पूरी करके भारत वापस लौटना चाहता था, लेकिन कॉलेज की फैकल्टी कई सारे कारणों की वजह से उसकी उड़ान का समय निर्धारित नहीं कर रही थी। हम सब बहुत परेशान थे। मेरे पिताजी उसे बार बार पूछते, तुम क्यों नहीं उड़ान कर रहे हो, क्या हुआ है? हम दोनों कहते, मौसम की स्थिति के कारण उसे उड़ान भरने में समस्या हो रही है पिताजी। हमने और भी अन्य झूठे कारण बताए। पिताजी भी काफ़ी चतुर हैं। वे अलग अलग तरीके से पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, यह जानने के लिए क्या हो रहा है। कभी माँ से पूछते, कभी मुझसे और कभी भाई से। बहुत चिंतित थे। वास्तव में पिताजी के बहुत करीब था मेरा भाई। यहाँ मेरी माँ भी हमारे परिवार के लिए एक बड़ा सहारा थी। उन्हें इन सब बातों के बारे में पता था। वह भी माता रानी, बाबा और सभी देवियों से प्रार्थना कर रही थी। हम बाबा से प्रार्थना करते रहे, कृपया हमारी मदद करें, अब सारी समस्याएं हल करें बाबा, अब हमसे सहन नहीं हो रहा है। मैं निरंतर लोधी रोड वाले साई मंदिर जाती रही। मैंने 11 दिनों तक लगातार साई मंदिर जाने का फैसला किया। एक दिन मेरी माँ ने कहा,
हम तब तक हर दिन साईं मंदिर जाएंगे जब तक मेरा भाई वापस नहीं आ जाता। बाबा ने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरे भाई ने उड़ान शुरू कर दी मार्च 2008 में। अब यह प्रशिक्षण की दूसरी परीक्षा का समय था। वह बहुत डर रहा था क्योंकि उसका प्रशिक्षक अच्छा नहीं था, काफ़ी समस्याएं पैदा कर रहा था। मैंने अपने भाई को कहा, सिर्फ अपनी पूरी कोशिश करें और बाबा में विश्वास रखो, तुम निश्चित रूप से गुरुवार को ही परीक्षा में पास हो जाओगे। बाबा ने इस समस्या का भी समाधान किया और हमारी मदद की। जून 2008 इस महीने भी समस्याएं हुई। उड़ान के लिए कुछ तय नहीं हो रहा था। उसके प्रशिक्षक एक के बाद एक बदलते जा रहे थे। उसके दोस्तों के साथ सब कुछ अच्छे से हो रहा था, केवल मेरे भाई के साथ ही समस्या क्यों? वह बहुत परेशान था। हमने 25 लाख रुपए का लोन भी लिया था, EMI भी शुरू थे। यह चिंतित था कि मेरे पिताजी पैसे का भुगतान कैसे करेंगे। मेरी विवाह की भी उन्हें चिंता थी। अचानक मार्केट में पायलटों के लिए नौकरी की भी कमी हो गई। मेरे परिवार वाले ये सोचकर बहुत परेशान थे, अब क्या होगा। उसके कैरियर से संबंधित सभी समस्याएं हमारे दिमाग में चल रही थी। 23 जून 2008 से पहले ही भारत वापस लौटना था। उसकी ओपन फ्लाइंग टिकट केवल एक वर्ष के लिए मान्य थी। उस समय आर्थिक समस्याओं के कारण हम टिकट खरीदने में भी असमर्थ थे। अब उसके कोर्स के पूरा करने के लिए सिर्फ 10 उड़ानें करनी थी और हम खुश थे कि वह 31 जुलाई 2008 को वापस आ जाएगा। सब कुछ हो चुका था, हम सब बहुत खुश थे। अचानक से विमान ने काम करना बंद कर दिया। कॉलेज के अधिकारियों के अनुसार विमान कम से कम एक महीने के लिए उड़ान नहीं भर सकता। मरम्मत करने के बाद भी 31 जून से पहले कोर्स पूरा करने की संभावना बहुत कम थी। हम सब पूरी तरह से गड़बड़ की स्थिति में थे। हम सब अंदर से टूट चुके थे। कई जगहों पर उसकी कुंडली दिखाई, हमारे पक्ष में बिल्कुल नहीं था। सब कह रहे थे कि वह कोर्स को पूरा किए बिना ही आ जाएगा। ऐसे लग रहा था जैसे हमारे जीवन में कुछ बचा ही नहीं। लेकिन मैंने अपना विश्वास नहीं खोया। मैंने बाबा से प्रार्थना की और उन्होंने हमारी प्रार्थना सुनी। मुझे पूरा विश्वास था कि विमान एक सप्ताह के भीतर वापस आ जाएगा और मेरा भाई कोर्स जरूर पूरा करेगा। इस बीच सुनिए, एक चमत्कार भी हुआ। मेरे माता पिता हर दिन सुबह को माता रानी की आरती में सम्मिलित होते थे। एक दिन हमने सभी सुबह को आरती में सम्मिलित हुए, तब एक काला कुत्ता हमारे पीछा कर रहा था। जब तक हम घर नहीं पहुंचे तब तक वह हमारी इमारत में प्रवेश करने के लिए कई अन्य कुत्तों से लड़ता रहा। मेरा घर मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। उसने हमारे घर पर आकर दूध पिया और किसी को नुकसान पहुंचाए बिना चुपचाप चला गया। उसके बाद सभी समस्याएं हल हो गई। मेरा भाई 26 अगस्त 2008 को घर वापस आ गया। इन सब में 9 गुरुवार का उपवास भी सच साबित हुआ। मेरे 5वें साई व्रत के दिन मुझे खबर मिली कि मेरा भाई वापस आ रहा है। उन्होंने मेरी इच्छा पूरी की। आज मैं, मेरा परिवार, मेरा भाई, हम सब एक साथ हैं, जीवन का आनंद ले रहे हैं। बाबा ने उसकी मदद की और उसे सभी दुखों से बचा लिया। बाबा को लाख लाख धन्यवाद। मुझे पता है बाकी की सारी परेशानियां, जैसे नौकरी, लोन, घर, मेरी शादी और सभी समस्याओं के लिए वह हमारा मार्गदर्शन करेंगे और सब कुछ ठीक करेंगे। बाबा को पहले से ही उन सब के लिए धन्यवाद। यहाँ जो भी है वह सब कुछ आप ही के कारण है बाबा, आप ही के कारण है बाबा। जय साई राम, जय साई राम। जाको राखे साईया मार सके ना कोई, जाके राखो साईया मार सके ना कोई। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज, योगी राज पर ब्रह्म श्री सचिनानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा कृपया हमारे साथ हमेशा रहें, हमेशा रहें। बाबा धन्यवाद, बाबा लाख लाख धन्यवाद।